हे जीवन के प्राण मेरा अंतर विकसित कर, निर्मल कर, उज्जवल कर, सुंदर कर, जागृत कर, निर्भय और उद्वत्व कर, निरालाश और शंका रहित कर। हे जीवन के प्राण मेरा अंतर विकसित कर, मेरे सब कामों में तेरा शांतिमय छंद भर जाए, अपने चरण कमल पर मेरा चित्त स्थिर कर, मुझे आनंदित कर, आनंदित कर, आनंदित कर। हे जीवन के प्राण मेरा अंतर विकसित कर। तो ये है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी हुई एक अमर कृति, एक महाकाव्य जो भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृति है, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जिन्हें पहली बार प्राप्त हुआ था वे साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं, जिनका आज जन्मदिन है। 7 मई 1861 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी टैगोर का जन्म हुआ कोलकाता में, और जिन्हें उनकी रचना गीतांजलि, इस गीतांजलि की रचना के बाद 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि ये बहुत सारे स्तरों में मिलता है, बहुत सारी फील्डों में मिलता है, लेकिन हमारे भारत के ये प्रथम ऐसे साहित्यकार हुए थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और शायद अभी तक किसी को वैसा, किसी भारतीय को वैसा गौरव प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है उसे बनाया था, और उनके उनका जो लिखा हुआ संगीत है वो बहुत ही रोचक हुआ करता था, बहुत ही अच्छा हुआ करता था। और हाँ, एक बात और, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान कह लें, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा हुआ था। इसके प्रोलॉग में कुछ लिखा हुआ है पीछे, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनकी दो रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। राष्ट्र गीतांजलि उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, और इसके लिए उन्हें 1913 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त हो गई थी, यानी वो हर एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। वो कथाकार थे, कवि थे, नाटककार थे, उन्होंने संगीत रचे, और वो चित्रकार भी थे बहुत अच्छे, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का 7 अगस्त 1941 में देहांत हो गया था, यानी हमारी स्वतंत्रता संग्राम से पहले। गीतांजलि बंगला भाषा में लिखी गई थी, जिसका बाद में अंग्रेजी, हिंदी सहित कई अन्य भाषा में अनुवाद किया गया था। और गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है गीतों का उपहार। यह काव्य प्रकृति प्रेम, ईश्वर के प्रति निष्ठा, मानवतावादी मूल्यों के प्रति समर्पित भाव से संपन्न है। तो ये है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक अमर कृति गीतांजलि। आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ से अवगत कराया जाए, ठीक है। मेरी वीडियो बस इसी पर्पस पर बेस्ड थी, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चल रहे, बाय।